अब मैं बात कर रहा हूं तुमसे कि जो आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट था ऑफ ऑफ एनर्जी, कहना चाहिए मुझे या मुझे कहना चाहिए रेडिएशंस, ये वही रेडिएशन है थर्मल रेडिएशंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा, आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट क्या था? आइंस्टाइन ने कहा कि अगर ये वो मटेरियल है जो कि जनाबे अली कंसिस्ट ऑफ दी एटम्स है, एटम पे कंसिस्ट कर रहा है और इनको हम कोई एनर्जी दे रहे हैं जो कि एनर्जी ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या कोई एनर्जी इसमें से क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, निकल रही है। उसने कहा कि ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी, ये एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। उसने जो कॉन्सेप्ट ऑफ दी फ्रीक्वेंसी लिया वो किसके लिए लिया, इस एनर्जी के लिए लिया। उसने कहा चूंकि एनर्जी हीट टुकड़ों में बटी हुई है, क्योंकि एनर्जी खुद डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए वो जब एटम ऑसिलेट करते हैं तो वो फिक्स किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट बजाय ये कि उन एटॉमिक ऑसिलेटर की बात करता, उसने ये कॉन्सेप्ट किसकी तरफ कर दिया, एनर्जी की तरफ कर दिया। तो उसने कहा कि ये जो एनर्जी है, यानी एनर्जी किसकी, एनर्जी ऑफ समझ लें रेडिएशंस, मैं कह लेता हूं रेडिएशंस कह लेते हैं या लाइट कह लेते हैं, लाइट की एनर्जी कहते हैं, रेडिएशंस की एनर्जी कहते हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। और ये E प्रोपोर्शनल टू न्यू हुआ और E इज इक्वल टू एच न्यू। ये उसने बात कही किसके लिए, आने वाली एनर्जी के लिए। मतलब उसने कहा कि जो एनर्जी है वो ही डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और वो जो एनर्जी है वो टुकड़ों में बटी हुई है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटॉन्स। तो फोटॉन्स क्या है, तो इसको आप कह लीजिए कि दिस इज द, हम कहने के कहने, इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये नॉन या इनडिविजिबल, ये इनडिविजिबल एनर्जी पार्टिकल है, यानी ये एनर्जी का वो पार्टिकल है जिससे मजीद छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता। मसलन ये जो मार्कर है, ये मार्कर जिन एटम, ये मार्कर किससे मिलकर बना, मतलब ये मार्कर क्या, मैटर है। इस मैटर को अगर आप डिवाइड करते चले जाएं तो एंड में हम कहां पहुंच जाते हैं, एटम पे पहुंच जाते हैं जो बेसिक यूनिट है, या फिर उसके अंदर चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ चले जाते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, प्रोटॉन को तो डिवाइड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास। इसी तरीके से एनर्जी का जो इनडिविजिबल या फंडामेंटल पार्टिकल है उसका नाम हमने दिया फोटोन। यानी उसने कहा कि जो एनर्जी है वो फोटोन की या लाइट की या रेडिएशंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी के, राइट। दैट्स द बात। इस बात से इख्तलाफ था किसको, मैक्स प्लैंक को, क्योंकि प्लैंक के लॉ को उसने इस तरीके से चेंज किया, और ये उसने काम किया था 1905 के अंदर, ओके। फिर उसने तकरीबन 10 साल के बाद एक काम और उसने कर दिया, उसने कहा देखें तीसरा, उसकी जो थ्योरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां से हमने E = mc² पढ़ा हुआ है। So, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड भी एनर्जी है और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड भी एनर्जी है। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, सो दिस इंप्लाइज दैट इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है mc² और इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास h न्यू। तो इस mc को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, mc मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू h न्यू, इस तरह लिखा जा सकता है। तो m मास c क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड या वेलोसिटी अगर मैं कहूं तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मेरा ख्याल है फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। सो ये जो mc है ये मेरे पास बन गया मोमेंटम, जिसको मैं कह रहा हूं p, साथ में c है, h न्यू हमारे पास आ गया, ओके। तो ये जो c है ये मल्टीप्लाई इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो मैं कह सकता हूं p इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c। So this is the momentum and this is the energy. किसकी? Photon की. So photon की energy is equal to h nu और photon का momentum जब थोड़ा सा घटना भी है इसको, इसी h nu को divide कर दो c से तो क्या बन गया? Momentum बन गया हमारे पास. Okay? अच्छा अब आप यहाँ देखें तो बड़ी हैरतअंगेज किस्म की बात होगी कि energy और momentum
ये दो चीजें आप एसोसिएट करते हैं पार्टिकल के साथ, पार्टिकल नेचर, एनर्जी एंड मोमेंटम पार्टिकल का होता है। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाएं तो राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, और यहां पर भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं किसके अंदर, वेवलेंथ के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, बहुत सारी दफा इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है कि आप ये बात जानते हैं कि सी हमारे पास बराबर होता है न्यू लैम्डा के, तो अगर मैं क्या करता हूं इस न्यू को इस तरफ ले आता हूं तो ये हो जाएगा सी अपॉन न्यू, तो किसके बराबर हो जाएगा लैम्डा के, और अगर मैं इसको पलट दूं, पलटने का मतलब ये है कि मैं न्यू को ऊपर ले दूं और सी को नीचे ले दूं, कैसे, तो इसको भी पलटूंगा, इसको पलटूंगा तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो वन ऊपर चला जाएगा, वन अपॉन लैम्डा, तो इसका मतलब है कि न्यू अपॉन सी की जगह पे वन अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है। तो बहुत सारी दफे इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं कि P is equal to H upon lambda, okay? So मैं कहना चाह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ये हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, वेव के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन की ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें कुछ इस बात की तरफ लीड कर रही हैं कि जो एनर्जी है या लाइट है इट हैज अ बल्क नेचर, इट कैन बी कंसिडर, या तो मतलब एक बात है कि लाइट ना तो पार्टिकल है ना वेव है, एक तो ये कह सकते हो, या फिर ये कहोगे कि दोनों है, क्या ख्याल है, तो हमारे एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करते हैं कि लाइट की ड्यूअल नेचर है हमारे पास। सो ये हमने जाकर बात की किसकी, आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम फोटोन के बारे में मजीद कुछ बातें हैं वो मैं लिख देता हूँ ताकि फोटोन से रिलेटेड हमारी बातें कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।